फर्ज का मतलब छुटकारा हासिल करना या फिर सफाया करना है। फर्ज साल में एक बार अमेरिका में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक फेस्टिवल है। फर्ज की रात 12 घंटे के लिए तमाम क्राइम्स लीगल हो जाते हैं और इनमें हर तरह के क्राइम्स शामिल हैं, जैसे मर्डर्स, रोबरी और रेप्स भी। फर्ज का टाइम शाम 7 बजे शुरू होकर सुबह 7 बजे खत्म होता है। इस दौरान सब इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद होती हैं। इस रात जिसका जो दिल चाहे वो क्राइम्स कर सकता है। कुछ लोग फर्ज नाइट में अपनी भड़ास निकालने के लिए इसे मनाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ इंजॉय के कार्य करने के लिए क्राइम्स करते हैं। फर्ज 2017 से स्टार्ट हुआ और इसके बाद हर साल मनाया गया, और फर्ज इसीलिए अलाउ किया गया क्योंकि इस रात की वजह से पूरा साल क्राइम्स कम होते हैं। फर्ज की वजह से क्राइम रेट्स काफी कम हो जाता है, जो कि अनबिलीवेबल है। जैसे बेरोजगारी सिर्फ 1% रह गई है, क्राइम्स रेट ना होने के बराबर है, और वायलेंस तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। और आज फर्ज का दिन होता है। हम एक बिजनेसमैन जेम्स सैंडिन को देखते हैं, जो कि अपने घर जा रहा होता है। जेम्स की कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम बनाए जाते हैं और ये सिक्योरिटी सिस्टम फर्ज की रात लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। क्राइम आम होता है तो सिक्योरिटी की काफी जरूरत पड़ती है, और ये सिक्योरिटी सिस्टम जेम्स के सारे नेबर्स भी लेते हैं, और उसने यही सिक्योरिटी सिस्टम अपने घर में भी सेटअप किया हुआ था। शाम 6 बजे जेम्स अपने घर में आ जाता है और पर्च शुरू होने में 1 घंटा रह गया था। घर में उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे थे। जेम्स कंफर्म करता है कि सब लोग घर पर ही हैं ना, लेकिन उस फैमिली के अलावा वहाँ एक लड़का भी था जो जेम्स की बेटी के साथ रिलेशनशिप में था। उन दोनों का मिलना जेम्स ने बैंड किया हुआ था क्योंकि उसकी बेटी काफी छोटी थी और वो लड़का एज में उससे काफी बड़ा था। और जब उन्हें रियलाइज होता है कि जेम्स घर आ चुका है तो वो लड़का चला जाता है, और पर्च शुरू होने में 5 मिनट रह गए थे। पर्च के लिए उनका प्लान सिक्योर रहना था। जेम्स सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे गेट्स लॉक कर देता है और पूरा घर सील कर दिया जाता है। पर्च के लिए सब लोग अपने अपने प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जेम्स अपने पास सिक्योरिटी के लिए गन भी रख लेता है, और जैसे ही 7 बजते हैं पर्च लाउड सायरन की आवाज के साथ स्टार्ट हो जाता है। वो लोग अपने घर में सिक्योर थे, इसीलिए उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सिक्योरिटी के बावजूद भी उनके घर में फिर से जेम्स की बेटी का फ्रेंड आ जाता है, और हैरत की बात यह है कि आज रात क्राइम्स लीगल थे तो वो चोरी छुपकर उनके घर क्यों आया। वो लड़का जेम्स की बेटी को कहता है कि मैं तुम्हारे फादर से मिलने आया हूं, लेकिन असल में वो लड़का जेम्स को अपने रास्ते से हटाने आया था क्योंकि जेम्स उसे डिसलाइक करता था। जेम्स न्यूज देखता है तो बताया जाता है कि लोगों ने कितने हाई लेवल तक क्राइम्स कर दिए हैं। जेम्स का बेटा देखता है कि एक स्ट्रेंजर हेल्प के लिए घर के बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा है और इंजर्ड है, क्योंकि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था। पर्च का असूल ये था कि कोई भी पर्च की रात 2 लोगों के बीच में नहीं आएगा, लेकिन बच्चे तो ये बात नहीं जानते थे। जेम्स का बेटा उस अननोन पर्सन को देख लेता है और उसकी हेल्प करना चाहता था, और इसीलिए वो सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन करता है और उस स्ट्रेंजर को घर के अंदर ले आता है। आवाजें सुनकर जेम्स वहाँ आता है और वो फिर से घर को लॉक कर लेता है, लेकिन कुछ सोच समझने से पहले ही उसकी बेटी का फ्रेंड उस पर अटैक कर देता है, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए जेम्स भी फायर बैक करता है। और इस फायरिंग में जेम्स का तो कुछ नहीं बिगड़ता, मगर वो लड़का मारा जाता है। सबके दौरान वो स्ट्रेंजर गायब हो चुका था क्योंकि वो कहीं पर जाकर छुप गया था, और तभी उनके दरवाजे पर एक गैंग पहुंच जाता है जिन्होंने काफी क्रीपी मास्क पहन रखे थे, और यही वो गैंग है जो उस स्ट्रेंजर के पीछे पड़ा हुआ था। और ये लोग क्राइम्स करने के लिए वहाँ पर फुल तैयारी से आए थे। उस गैंग का लीडर कहता है कि हम बुरे लोग नहीं है, हम सिर्फ पर्च मनाने आए हैं, और हमारा एक विक्टिम आपके घर पे आ गया है और वो हमें जिंदा चाहिए, और अगर स्ट्रेंजर हमें मिल गया तो उसे लेकर हम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर उन लोगों को स्ट्रेंजर ना मिला तो उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा घर में घुसने का। घर में घुसकर वो स्ट्रेंजर को तो मारेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ सारी फैमिली को मार डालेंगे। गैंग का लीडर इनकार सुनने का आदी नहीं था, और ये बात वो अपने साथी को शूट करके साबित कर देता है। यानी अगर वो अपने साथी को मार सकता है तो वो किसी की भी जान ले सकता है। ये कहते ही वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट देते हैं। जेम्स की वाइफ पूछती है कि सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से हम लोग बच जाएंगे ना। जेम्स कहता है कि अभी तो हम सेफ हैं, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ा भी जा सकता है, यानी वो लोग अंदर घुस सकते हैं। तो जेम्स डिसाइड करता है कि वो स्ट्रेंजर को ढूंढकर उन लोगों के हवाले कर देंगे। अपने और फैमिली के डिफेंस में जेम्स को उस स्ट्रेंजर को हर हाल में ढूंढना था, तो वो उस स्ट्रेंजर को ढूंढने लगता है। उसके साथ उसकी वाइफ भी हेल्प करती है, लेकिन जेम्स का बेटा उस स्ट्रेंजर को ढूंढ लेता है, और बजाय उसे बाहर निकालने के वो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर छुपा देता है। लेकिन मौका मिलने पर वो स्ट्रेंजर जेम्स की बेटी पर गन पॉइंट कर देता है। पीछे से जेम्स की वाइफ आ जाती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेंजर डिस्ट्रैक्ट होता है, तो जेम्स उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, और उस स्ट्रेंजर को बांध दिया जाता है। सडन जेम्स के हाथ से गोली चल गई होती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेंजर इंजर्ड हो जाता है। वो लोग उसे बांध भी चुके थे और अब सिर्फ उसे बाहर भेजना था। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि हम एक बेकसूर इंसान के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, और अगर वो भी अपनी जान बचाने के लिए किसी की जिंदगी की कुर्बानी देंगे तो उस गैंग और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा, क्योंकि वो उसकी मौत का रीजन बनना नहीं चाहते थे। वो स्ट्रेंजर कहता है कि तुम मुझे उन लोगों को सौंप दो और अपनी फैमिली को बचाओ। ये सुनकर जेम्स को उस पर तरस आ जाता है, और जेम्स अपना इरादा बदल लेता है। वो डिसाइड करते हैं कि इस आदमी को बाहर भेजने की बजाय वो इसकी जान बचाएंगे और उस गैंग का मुकाबला करेंगे। वो गैंग एक ट्रक की मदद से उनका सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ देता है और उनके घर में घुस जाता है, और फाइट करने के लिए जेम्स बिल्कुल रेडी था, और एक एक करके वो गैंग के कुछ लोगों को मारने में कामयाब भी हो जाता है। जेम्स बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन उस गैंग का लीडर जेम्स को चाकू से स्टैब कर देता है। अगर जेम्स मर गया तो अब उसकी फैमिली का भी खात्मा होने वाला है, लेकिन उनके नेबर्स उन प्रजर्स को मारते हुए उनके घर की तरफ आ रहे
थे। वो नेबर्स पूरे गैंग को मार कर उस फैमिली को सेव कर लेती है, लेकिन गैंग का लीडर अभी भी जिंदा था और वो उस फैमिली को मारने ही वाला होता है कि जेम्स की बेटी उसे मार डालती है। अब वो फैमिली तो बच गई लेकिन जेम्स के अलावा, क्योंकि जेम्स मर जाता है। जेम्स ने अपनी फैमिली को तो बचाया ही लेकिन एक बेकसूर इंसान को भी बचा लिया, और इसमें उनकी नेबर्स ने भी उनका साथ दिया, तो जेम्स की वाइफ उन्हें थैंक्स बोलती है। लेकिन वो पर्ज का टाइम था तो कोई किसी के साथ कैसे अच्छा हो सकता था। उनके नेबर्स ने उस गैंग को इसीलिए मारा क्योंकि वो जेम्स की फैमिली को अपना शिकार बनाना चाहती थी। जी हाँ, वो खुद उन लोगों को मारना चाहती थी क्योंकि उन लोगों ने जेम्स से सिक्योरिटी सिस्टम परचेज किए थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो फैमिली उनके पैसों पर अयाशी कर रही है। और अपना गुस्सा निकालने के लिए टाइम उनके लिए बहुत अच्छा था, और वो गवर्नमेंट को थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने पर्ज जैसा फेस्टिवल बनाया, और वो उन्हें शूट करने लगते हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर वो स्ट्रेंजर वहां आकर उन्हें बचा लेता है। वो स्ट्रेंजर जेम्स की वाइफ से पूछता है कि नेबर्स को मार दे या फिर छोड़ दिया जाए, और जेम्स की वाइफ उस फैमिली को बचा लेती है। सुबह के 7 बजने यानी पर्ज खत्म होने तक वो सब वहीं बैठते हैं। पर्ज खत्म होते ही जेम्स की वाइफ उन सबको अपने घर से जाने का कहती है, और वो स्ट्रेंजर भी वहां से चला जाता है। स्ट्रेंजर और फैमिली ने एक दूसरे की जान बचाई। बाहर बहुत सारे इमरजेंसी सायरन्स की आवाजें सुनाई देती हैं। रेडियो के थ्रू ये पता चलता है कि ये पर्ज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, बहुत सारे लोगों ने इसे ज्वाइन किया, और ये रिपोर्ट दिखाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको इस मूवी का पार्ट टू द पर्ज एनार्की एक्सप्लेन करूंगी। अब मूवी शुरू होती है तो हमें एक लड़की एफा दिखाई जाती है जो कि पर्ज से पूरे 2 घंटे पहले एक रेस्टोरेंट पर ड्यूटी देकर घर आ रही होती है, और दूसरी तरफ हमें एक लड़का लियो दिखाया जाता है जो कि पर्ज की तैयारी में अपनी गन्स रेडी कर रहा था। और फिर हमें न्यूज में पर्ज नाइट को स्टार्ट करने वाला भी दिखाया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि घर में एवा का बाप एवा की बेटी यानी अपनी पोती से कह रहा होता है कि ये पर्ज हमारे खिलाफ है क्योंकि हम जैसे गरीब लोग इनको टैक्स जो नहीं दे पाते और इसीलिए ये हमें मारना चाहते हैं। तभी एवा भी घर आ जाती है और अपने फादर को मेडिसिन देती है। वो उसे कहते हैं कि बेटा ये तो बहुत महंगी है तो मैं इसे नहीं खाऊंगा, लेकिन अपनी पोती के कहने पर वो उसे खा लेते हैं। अब लियो पर्ज से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। उसे एक लड़की मना करती है कि तुम बाहर मत जाओ, ये सेफ नहीं है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। कि फिर उसे न्यूज मिलती है कि पर्ज नाइट स्टार्ट हो चुकी है और अमीर लोग गरीब लोगों को मार रहे हैं। इसी के साथ वो गाड़ी से उतरता है और देखता है कि एक ट्रक के पीछे से एक आदमी निकल कर आता है और 2 लोगों को मार देता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एवा की बेटी को एक लेटर मिलता है जो कि उसके ग्रैंडफादर का था, और उसमें ये लिखा था कि तुम लोग मेरी बीमारी को लेकर काफी परेशान हो और हमारे बस इसके इलाज के पैसे भी नहीं है, तो मैंने खुद को एक अमीर फैमिली को बेच दिया है ताकि वो मुझे मारकर पर्ज कर सकें और जो पैसे तुम्हें मिले उससे अपनी जिंदगी आराम से गुजारना। और फिर हमें पता चलता है कि उस रिच फैमिली ने उनको मार दिया है, तो एवा और उनकी बेटी बहुत रोने लगती है। एवा को कुछ आवाज आती है और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो कुछ यूनिफॉर्म पहने हुए लोग उसके अपार्टमेंट में आ रहे थे। ये गवर्नमेंट के भेजे हुए लोग थे जो कि गरीब लोगों को मारना चाहते थे। कि अचानक इससे पहले एवा के दरवाजे पर नोक होती है और उन्हीं के अपार्टमेंट का एक आदमी वहां पर आता है और वो कहता है एवा दरवाजा खोलो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, लेकिन इनफैक्ट वो खुद पर्ज के लिए उनको मारने आया था। लेकिन गवर्नमेंट के लोग आकर उसे पीछे से मार देते हैं। अब एवा और उसकी बेटी काफी डर जाते हैं और छुप जाते हैं, और फिर गवर्नमेंट के लोग भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। अब उन्हें पकड़कर अपने बॉस के पास ले आते हैं और अपार्टमेंट के सारे लोगों को मार देते हैं। अब रास्ते में लियो इनको देख लेता है और वो गवर्नमेंट के लोगों को मारकर इनकी जान बचा लेता है। कि तभी एक कपल लियो की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। लियो उनसे कहता है निकलो मेरी गाड़ी से, लेकिन तभी उन लोगों का बॉस उठ खड़ा होता है और उन लोगों पर शूट करने लगता है। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती, लेकिन उनके लिए वहाँ से भागना भी तो जरूरी था, तो वो उन लोगों को गन देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे कहीं और जाना है और तुम लोगों की वजह से मैं लेट हो रहा हूँ। एवा उससे कहती है कि रुको मेरी बात सुन, यहाँ पास में ही मेरी दोस्त का घर है, तुम हमें वहाँ पर छोड़ दो और फिर उसकी गाड़ी लेकर आगे चले जाना। तो लियो मान जाता है और अब वो उसकी फ्रेंड के घर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उस कपल में से एक लड़का एक ट्रैप में फंस जाता है और गवर्नमेंट के लोग उसे मारने आते हैं, लेकिन लियो उन सबको शूट कर देता है। अब रास्ते में इनको काफी ज्यादा लोग और भी मरे हुए नजर आ रहे थे, तो एक पास खड़े ट्रक में चले जाते हैं, लेकिन तभी उसी बॉस का ट्रक भी आ जाता है जो इनका पीछा कर रहा था। अब ये लोग उस ट्रक से गन्स उठाते हैं और सबवे की तरफ चले जाते हैं। लियो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट उस बच्ची यानी एवा की बेटी को पहना देता है। यहाँ पर इन लोगों की काफी लड़ाई होती है और ये गवर्नमेंट के लोगों को मार देते हैं। अब वो लोग जैसे तैसे करके एवा की दोस्त के घर पहुंच ही जाते हैं और वहाँ पहुंचते ही लियो एवा से कहता है कि लो पहुंचा दिया मैंने तुम्हें तुम्हारी दोस्त की तरफ, अब जैसा कि हमारी बात हुई थी तो मुझे गाड़ी की चाबी। तो एवा उसे कहती है कि यहाँ तो कोई गाड़ी थी ही नहीं, अगर मैं तुमसे वैसे मदद मांगती तो तुम मुझे कभी यहाँ ना छोड़ते। अब बताया जाता है कि एवा की दोस्त दो बहनें थी, उन दोनों में किसी बात पर बहस होती है और वो अंदर से गन लाकर अपनी बहन को शूट कर देती है और फिर अपने हस्बैंड पर भी शूट कर देती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी बहन के साथ मिलकर उस पर चीट कर रहा था। अब ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो सब अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बॉस का ट्रक भी इनके पीछे पीछे था। लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी और वो लोग इनको पकड़ लेते और अमीर लोगों के पास ले जाते हैं जो कि इनके जरिए पर्च करना चाहते थे। अब इनको एक ग्राउंड में ले जाया जाता है और अमीर लोग इन पर अटैक करने वाले, बाकी लोग भी ऑडियंस बनकर ये शो देखने आए थे। उन सब अमीर लोगों के पास रात में देखने के लिए ग्लासेस भी थे, तो लियोन में से एक पर अटैक करके उसकी ग्लासेस और उसकी गन ले लेता है। तभी दो लड़कियां आती हैं और उसे हिट करके उसकी गन गिरा देती हैं और वो उन्हें भी मार देता है। सब लोग ये शो देख रहे थे और ये देखते ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी उस कपल में से लड़का यहाँ पर मारा जाता है। उसकी बीवी बहुत रोने लगती है और फिर वहाँ पर आर्मी आ जाती है जो आकर उन लोगों को बचाती है। वो लड़की जिसके हस्बैंड की डेथ हुई थी वो वहीं पर रुकती है और बाकी लोग यानी लियो, एवा और उसकी बेटी वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लोग उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से वो पर्च की नाइट निकला था। लियो एवा को सामने घर दिखाता और कहता है, वो घर देख रही हो, यहाँ के रहने वालों ने मेरे छोटे से बेटे को मार दिया, उसका कोई कसूर नहीं था लेकिन सिर्फ पर्च की खातिर उन्होंने ऐसा किया। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों गाड़ी में बैठो और मैं अभी उससे मिलकर आया। अब एवा और उसकी बेटी बाहर ही थी और लियो अंदर जाता है और उस ऑनर से पूछता है, आखिर तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, उस छोटी सी जान ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था। यहाँ पर ऑनर बुरी तरह रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इसी के साथ लियो को बाहर से कोई आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वही बॉस होता है। वो लियो को देखते ही उसे दो बार शूट करता है। अब वो उसके करीब आता है कि इसको जान से मार दिया जाए, लेकिन तभी उस घर का ऑनर बाहर आता है और फौरन से बॉस को शूट कर देता है जिससे वो फाइनली मर जाता है। अब उसके लोग जो कि गवर्नमेंट के लोग थे उस ऑनर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही सायरन रिंग हो जाता, यानी पर्च नाइट अब खत्म हो चुकी थी और अब वो लोग किसी को नहीं मार सकते थे, इसलिए वो ऑनर पर भी शूट नहीं करते। अब ऑनर फौरन से लियो को अपनी कार में हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके जख्मों को ठीक किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि लियो की जान बच गई है और उसने उस घर के ऑनर को भी माफ कर दिया है और यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है, यानी पार्ट 2 भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू।